नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी को नोटिस भेजा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजवाला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ईडी 8 जून को पूछताछ करेगी। बॉलीवुड के मशहूर गायक केके का कल मुंबई में अंतिम संस्कार होगा। कोलकाता के रविंद्र सदन में गायक को तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी और केके के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। राजद के विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी यादव को नीतिगत निर्णय के लिए पार्टी ने अधिकृत किया है। बैठक में 1 करोड़ लोगों को राजद का सदस्य बनाने, जातीय जनगणना, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात हुई। श्रीलंका दौरे पर रवाना होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बुरी खबर आई है। टीम के हेड कोच कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब वह श्रीलंका के दौरे से बाहर रहेंगे। रामनगरी अयोध्या को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब भगवान श्री राम मंदिर क्षेत्र में शराब नहीं बिकेगी। क्षेत्र में आने वाले शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।